एक कहावत है, बंगला में कहावत है, इमली पत्तल में छोटा फिर बुंदी होने सूजन होने से नौ लोग बैठ सकते सूजन होने से, और पूजन होने से ब्रदर बंधन मिलता रहते हैं एक गांव में एक इमली पत्तल में छोटा पत्तल में नौ लोग बैठ सकते हैं साथ में, हाँ गंधा विचार ले करके जीने से एक गांव में एक ही लोग कितना हो जाए स्कूल एक घंटा जय Yeah.
कृष्णा कृष्ण भक्ता तद भक्ता नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु कृष्ण हरे 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 राम राम राम। सबसे पहले भगवान का अभिन्न प्रकाश भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले नृत्य लीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र भक्ति प्रमुख श्री कृष्ण ठाकुर परम गुरु बात पद्म नृत्य लीला प्रविष्ट श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती उत्तम ठाकुर और संप्रदाय सारी आचार्य अशुद्ध भक्त सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहिंद की कृपा प्रार्थना करता हूँ। वैष्णव दास दिवाकर वैष्णव दास हमारा मंदिर का नाम और आपका आपका गांव का नाम तो गांव से ही का नाम दिवाकर क्या दिवाकर नाथ महोदय घर में आए हुए सारी भक्त सभी का यथाजत संभाषण ज्ञापन करता हूं। अभी आप आ गया अलग बस दस कपड़ा कर आपको देखा था नाम पुलिस सभी वैष्णव भक्तों की जय हो। पिछली बार जब हम आया था प्रभु जी पुलिस का 3 स्टार लगा के कपड़ा पहन गया बदल गया जो भी अच्छा है देखो सबके ऐसे ही भगवान का अपने सामने होने से सिर को झुकाना चाहिए। ऐसा क्यों इसीलिए ऐसा भगवान सबका प्रभु हम भगवान का हमेशा के लिए दास ही परिचय है। इसी परिचय का परिचित होकर के सबको जीने चाहिए
दुनिया भगवान के द्वारा बना हुआ, भगवान को सही रूप से सम्मान नहीं देने से क्या होगा, सब गड़बड़ हो जाता, गड़बड़ होगी नाम सुनने शास्त्र गड़बड़ होती है। ये दुनिया ऐसा ही है, धन का वार देखो कि बहुत अच्छा चीज चल रहा है और इसके साथ साथ देखोगे बहुत बुरा चीज हो रहा है, कहीं स्थिति कब क्या होने जा रहा है, सही रास्ते में है कल है ना, तो कोई लोग बोल नहीं सकता सही आज है कल हम जिंदा रह सकता, जिंदा है तो जो संता भी है कल संता नहीं हो सकता, सोचो कि कहीं सेरिब्रल स्ट्रोक हो गया, वोकैबुलरी बंद हो गया, ब्रेन भी बंद हो गया, बोलने का ताकत नहीं, बोलने का क्षमता नहीं, आँख खोलने का क्षमता नहीं, लेकिन जान तो है इसलिए हमारा भक्तगण ठाकुर ऐसा बोल रहा, हमारा गुरु हमारा परंपरा का महान महान गुरु श्री भक्तिवल्लभ ठाकुर, नाम सुना कभी दिन, नाम सुना कभी दिन, देखो भक्तिवल्लभ ठाकुर ऐसा, ये गौड़ीय मठ है ना, जितना सब गौड़ीय मठ देखोगे, गौड़ीय मठ का जितना शिक्षा है सुबह से शाम तक जो कुछ करते सब कुछ लिखने वाले भक्तिवल्लभ ठाकुर, भक्तिवल्लभ ठाकुर एक बार सबको समझाया, सबका सोच वो जैसा है कि ठीक है अभी तो मजा ले लो, जवानी का सब मजा ले लो, बुढ़ापा आने से बाद भगवान का नाम लेकर के भगवान का धाम में वापस चला जाएगा, आसानी से वापस चला जाएगा, इसलिए बोल रहा जीवन समाप्त काले गरीब और भजन भगवान में लिखा, मतलब क्या जीवन समाप्त काले जब जीवन खत्म होने वाले, मतलब बुढ़ापा ना किया, चलने का क्षमता नहीं, आंखों में दृष्टि भी थोड़ा कम हो गया, कान में सुनाई शरीर से नहीं दे रहा, उसी समय भगवान आपका सेवा करूंगा, हो सकता जो अभी नहीं हुआ और कभी नहीं हुआ, क्या बोला अभी नहीं तो कभी नहीं, नहीं। अभी है तो बाद में होगा, जीवन समाप्त काले करीब भजन एवे कोई गृह सुख एक कथा नहीं बोले कखन, जिंदगी खत्म होने के बाद हम भगवान आपका नाम आपका साधना हम पूरा रूप से करूंगा, अभी तो हमको इस दुनिया का जो सुख है, तो दुनिया में सुख है कि बोलिए तो सीने ठोकते बोलिए तब तो बोलिए जे हाँ इस दुनिया में सुख है, सुख है आखिर में जाकर के सारी तो रेगिस्तान में पानी मिल सकता, पानी मिल सकता रेगिस्तान में, बोलिए ना, इसी संसार में ये सुख नहीं मिल सकता, लेकिन ऐसा है रेगिस्तान में जितने मिलता है पानी है जो भागते भागते मिलाते नीचे भागते भागते कट जाते, उसके बाद रेगिस्तान में जान चला जाता, लेकिन
और सुन भी नहीं पैसा सबके पास है, जो काम करता है जो बिजनेस करता है जाना पैसा जा करके सोते हो उनका भी आपसे ज्यादा जितना पैसा उतना हमारे साथ कई दस्ती है कई लोग सब दस्ती है जिनकी कमाई हर रोज 20 लाख रुपया उनका घर में हम भी किया रुखा भी किया एक महीना दूध भी देखा खाना कही है तुम्हारा 200 रुपया का दूध 300 रुपया का दूध 400 रुपया दूध इतना 1 मिलियन डॉलर 2 मिलियन 20 लाख रुपया का 20 लाख डॉलर का 20 लाख डॉलर चाहिए इसी बड़ा बड़ा गिलाड़ी रामचंद्र का सेतु बन सेतु बंधन कर रहा गिलाड़ी भी सेवा किया ऐसा गिलहरी कैसे सेवा किया गिलहरी कैसे सेवा किया पानी में खुद दिया उसके बाद रेत में थोड़ा लटपट खा के जो रेत रोम रोम में घुस गया वो बीच में आ करके झाड़ी मर के और ऐसा सहस रामचंद्र देव के दलबल होते देखो गिलहरी का हमारे हिंदुस्तान का गिलहरी का देखो उनका पीठ पर रामचंद्र का उंगली का निशान है और हमारे हिंदुस्तान का बाहर चला जाओ वही निशान है देखा मलेशिया में नहीं हम तो सारा दुनिया घूमा सारा दुनिया घूम लिया एक बार नहीं 20 साल 20 बार चक्र सब जगह के देखा वो निशान क्यों बिहारी बिहारी जो ऐसा लेके जा उनका शब्द ऐसा ही है आज सुग्रीव नौल नील अंगद बड़ा बड़ा पत्थर लेकर के पार उनका शब्दानुसार शब्दानुसार भगवान का सेवा करो भगवान जो भी हो देखो दुख तो सब कही इसलिए सोचना चाहिए किसका पीछे भागना चाहिए सारा दुनिया तो पैसा का पीछे भागना विष्णुदान बोलो सरकार का घर में काम करने वाला लोग बोलो और नौकरी करने वाला इतना सब अजूब में नौकरी है सरकार घर में तो बहुत बुरा हाल है ना क्या ऑफिस में जाने के लिए सब महीना में काम था और काम करने के लिए रिश्वत रिश्वत नहीं काम नहीं होगा भाई जिस तरह से उस तरह नहीं होगा यही हाल हो गया हिंदुस्तान हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश हो धर्म का देश उसी देश में आज इतना घबला छोटा छोटा काम करने के लिए सरकारी ऑफिस में जाओ तो मने तुम्हारा बुरा हाल हो जाए छोटा काम करने के लिए सुबह से शाम तक बैठ बैठ मतलब पैसा दो तुरंत तो
झूठ है, आपको पुलिस बना के पकड़ने के लिए प्रमाण मिलता, प्रमाण जो भी हो देखिए सब नहीं है सर, सब सब तो नहीं, अच्छा भी है, अच्छा भी है, अच्छा का अच्छा कमी है, वो दिखा नहीं रहा मेरे हिसाब से, अच्छा ज्यादा ही है, जो भी हो जैसा अच्छा। तो देखो क्षमता अनुसार चलना चाहिए, करना चाहिए, भगवान का पीछे भगना चाहिए। भगवान का पीछे भगने के लिए क्या बोला, भगवान का नाम लो, इसी युग में योग की चुटकी बाजी का धोखाबाजी का दो युग, सबके साथ सब धोखा दे रहा, विशेष रूप से भगवान के साथ धोखा दे रहा। भगवान को बोला देखो सातवां महीने में जब कोप में मंदिर का कोप में जब सातवां महीने महीना में क्या होता, गोदहरण होता होता कि नहीं हमारा यहीं पे गोदहरण, और हमारा बंगला में सात लक्षण पंजाबी क्या गोदभराई गोदभराई और भोरण भराई है क्यों, क्यों ऐसा क्यों, सातवां महीने में भगवान छोटा रूप से संतान के दर्शन। तो बहुत बड़ाई में क्या क्या देता, अच्छी अच्छी खिलाता खिलाता राजा, क्या क्या खिलाए, मिठाई अच्छा अच्छा चीज खिलाई, भगवान दर्शन अंदर भगवान बैठ के इस प्रकार विचार देना पड़ेगा। इसलिए हमारे भक्तिव्रत है वो क्या बोल रहा, जननी चतुरे छिलम जखन विषम बंधन पाछे, एकबार प्रभु देखा दिया मोरे वंचिले दिन दासे। मैंने सातवां महीने में भगवान आप हमको दर्शन दिया, एक बार दर्शन दे करके आप चला गया, आपका विनती किया, क्या विनती किया, एक पीड़ा से हमको लिखा हम निकलने से बाद आपको हम सेवा को ये बताया, जना भइल पड़ी माया जाले नाइल ज्ञान लोक, लेकिन जन्म होने से बाद संतान क्या करते हंसते ना रोते, रोते हंसते ना रोते, बोलिए ना आपका तो हमारा हुआ, आपका हुआ, रोते ना हंसते, और माता पिता क्या करते और क्या करते, इतना प्यार दिया सा जो पता किया था भूल गया, আদরে ছেলে সজনের কোলে হাসিয়া কাটা নোকালো, জনাব জনানি স্নেহকে ভুলিয়া সংসার লাগিল ভালো। ইতনা প্যার ইতনা প্যার ইতনা সা রিশতেদার জ্ঞান দেওয়া বোধ মিলে हमको देखा, हमारा कुआ जी आने से सात साल पैसा देता, सौ रुपया बच्चे सौ रुपये का डा
चाचा जी सब कुछ प्यार करता, मिठाई लेके देता, मिठाई। पापा भी हाथ पकड़ के बोले और क्या चाहिए, मिठाई का दुकान हाँ तो मिठाई का दुकान है। उसी समय 25% रसगुल्ला 10 रुपये रसगुल्ला 10 रुपया 40 रुपये रसगुल्ला एक साथ 25% 1 रुपया में 4 10 रुपया कितना हो। इतना प्यार है जो मांगो मिल जाए। देखो आज कई युग में ऐसे ही होगा, दिन जितने बढ़ते रहेगा ऐसे ही होगा। एक बार प्रश्न किया था, एक बार युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज ने हाँ अर्जुन प्रश्न किया, भीम प्रश्न किया था भगवान को, कलयुग में क्या होने वाला। तो भगवान दिखा दिया इसी मार्ग पर चला जाओ, देखो क्या कोई होने वाला। चलते चलते देखा एक बछड़ा गाय बछड़ा पिया, प्यार से इतना खून निकल गया। तब भी इतना प्यार से, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार, तो खून बछड़ा को खून निकल गया। तो ऐसा देख के जब पापा साहब ने भगवान को बोला कलयुग में ऐसा ही होगा, माता पिता का प्यार संतान के ऊपर ऐसा ही होगा। पहले कितना होगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 आज क्या हुआ 1 दूसरा नहीं 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 और इतना प्यार दे रहा, प्यार देते देते आदर करते करते बंदर बना दिया। बेटा अभी दारू पीने का चल दिया। ये क्या चीज अभी भी था नहीं करने से माता पिता का छेड़छाड़ कर देता, पैसा दो तो होगा क्या। ऐसे ही तो आदर आदर करते करते बंदर बनाया कि नहीं बोलिए। और भगवान तो भूल गया मधुरे छेले स्वर्गे गोरे आशीरा काटा लो बाल जनक जनक मतलब माता पिता का प्यार लेते लेते संसार लागी लो बाल ये संसार चल जब दुख का लहर है। एक लहर सागर में एक लहर लिया तो और एक लहर बंद नहीं होता, नहीं तो दुख का दुख का दुख का दुख। तब भी आशा नहीं छोड़ा, सुख होगा सुख होगा सुख होगा सुख होगा करते करते सुखे रोला किया ये घर अनोले कोई आज में शरीर का इस शरीर को इतना तक रक्षा करते करते आखिर में जाकर के क्या संसार में जला देता। कौन जलाए अपना रिश्तेदार, जो रिश्तेदार के लिए तुम पसीना निकालते निकालते कमाई किया वही रिश्तेदार, कमाई किया देखभाल किया बड़ा किया पाल पोष किया जो भी
पकड़ के शमशान में ले करके आग से जला इतना अच्छा शरीर इस शरीर को जला दे। ये दुनिया का हाल ऐसा है गौरवे भूमि देश देशे धनोपार्जन कोई सजन पालन करिए मोने बुलिनु तुम्हारे हो होरी पढ़ाई तो बहुत किया और देश विदेश घूमते रहे पैसा भी आने लगे पैसा लेकर के सजा मतलब अपना रिश्तेदार को देने लगे अब धीरे धीरे संसार अच्छा लाहिर दुख होने से भी अच्छा हुई थी हुई अच्छा आज किसी का मन में पछतावा है क्या पछतावा है क्या सुनिए सुनिए पछतावा है किसी का मतलब मन में पछतावा है क्या वो बोला जे हमारा पास मन में पछतावा नहीं है हाथ उठा तो बोला कि हमारा पक्ष तो मतलब कहीं गलती किया था गलती का हाथ पर कर रहा जो तो बता दिया भगवान के साथ भगवान संसार में मम्मी का कोख से हमको निकाल दो बाहर में आकर के आपका सेवा वो तो तुम भूल गया नहीं करते अपना शरीर का सुख देने के लिए पूरा जान को लगा दिया शरीर का सुख के लिए लेकिन भगवान किसने भेजा कि शरीर दे किसने भेजा बुझाओ हमारा सेवा किस प्रकार जो कुछ करो शादी करो तो हमारा सुख के लिए शादी करने से भगवान का सुख कैसे होता भगवान के लिए घर बनाओ घर में रहने से खाना चाहिए खाना पकाओ भगवान के लिए भगवान का प्रसाद प्रसाद ले करके तुम जिंदगी को आगे बढ़ाओ घर किसका भगवान का हमारा दुनिया किसका भगवान का तुम्हारा घर कहां पे दुनिया के अंदर दुनिया का मालिक भगवान है तो कैसे घर का मालिक हो सकता आपका एक जमीन पर बहुत बड़ा जमीन है मैं जाकर के घर लगा दे हमारा घर बना दे तुम हमको क्या करो सिविल कोर्ट में लेकर के खड़ा कर देगा हे हमारा जमीन भगवान ऐसा करता है भगवान को तो पता है सब तो हमारे कंट्रोल में है एक बार भूमि को हिला देगा था सब खत्म जितना बुद्धि है सब बुद्धि खत्म भूकंप एक बार हो गया एक मिनट में देखो ना जितना सब प्लान चल रहा मिसाइल दो घर में छोड़ो घर में छोड़ो सब बुद्धि खत्म
वही कहा है। भगवान का दुनिया में है हम लोग, भगवान का सबको मानना ही चलता है। भगवान को मानने के लिए सुन, भगवान का सेवा करने के लिए भगवान इसी सभी देखा करेगा। सेवा नहीं करोगे तो पछतावा होना चाहिए, गलती हुआ, सबका गलती है, किसी गलती लेकिन पछतावा नहीं, विचार नहीं। भगवान का दुनिया, भगवान का दुनिया में आया, भगवान शरीर दिया, भगवान का सेवा करने करने के शरीर दिया, कोई क्या कर्म छोड़ेगा नहीं किसी को। कर्म का भाव खींच के उसी दिशा में लेके जाए। बेशर्म हो ठीक है, डांस करती हमारा ये करती चल रहा रात जो जो मुर्तई बजादवा जो श्लोक है। कुबेर का दो बेटा क्या किया, बेशरम क्या किया। कुबेर का दो बेटा नारद मुनि आ रहा, कोई सम्मान नहीं दिया, मतलब नंगा होकर के खड़ा हुआ। अजिंक्य श्याम खेला करते थे सरोवर में, अप्सरा के साथ खेला करते करते अप्सरा लोग नारद मुनि के देख के प्राइवेट पार्क नंगा होकर प्राइवेट पार्क को ढकने के लिए कोशिश करते, छुपाने के लिए कोशिश करते। और वो दो बेटा थोड़ा क्या सोच रहा है कि हमारा पिताजी तो सर्ग में अर्थमंत्री है, फिनेंस मिनिस्टर है, सब कुछ हमारे हाथ में। तो क्या हुआ, नारद मुनि बोला ए बेशरम सांप दे रहा पेड़ बन जाओ। और बेशरम जब सांप लग गया तब उनका दिमाग काम किया, नारद मुनि का पैर पकड़ के बोलने लगे हे मुनि जी ये सांप वापस ले लो वापस ले लो। और मुनि जी बोल रहा मुख से निकाल गया तो वापस होनी चाहिए, मुख से एक बार कोई शब्द निकाल गया वापस बाण धनुष से निकाल गया और वापस हो नहीं सकता। तो कर्म गंदा कर्म कर लिया, कर चुका, वो भी कर्म का फल को भुगतना ही पड़ेगा। बेशरम होने से कर्म का फल छोड़ेगा नहीं, कर्म का फल कर्म का दिशा में खींचते हैं। बेशरम होने से पेड़ होना पड़ता है, शरीर मिलने से वहां पेड़ होगा। अच्छा है ये शरीर, जो शरीर लेकर के भगवान बोला हमारा साधना करो और दिमाग का पूरा रूप से हमारा सेवा में लगा दो, ऐसा मन से जो भगवान बोल रहा सब छोड़ छाड़ के संन्यास बांध के चला जाए, ऐसा ऐसा मत सोच। कभी दिन ऐसे भगवान बोला नहीं, जो आश्रम में है वही आश्रम में रहकर क्या करो, जो कुछ करो हमारे लिए, संतान पैदा करो हमारे लिए, हमारा सेवा, संतान को पाल पोष करो हमारा भक्ति देकर, वो आगे जाता है। जो कुछ करो ऐसा नहीं करो तुम अच्छा मम्मी नहीं, अच्छा पापा नहीं, अच्छा रिश्तेदार नहीं। क्यों, संतान को तुम
तो कर्ता को आने वाला मृत्यु के मृत्यु से रक्षा करने के लिए विचार नहीं दिखा रहा। सबको तो मृत्यु होगा ही, मौत तो होगा ही, होने वाला सबका मरण होगा, लेकिन मरने का पहले जिसने भगवान किसी शरीर दे करके भेजा वो करना चाहिए। संसार में प्रवेश किया मतलब शादी कर लिया ये अच्छा है, कोई खिलाफ नहीं, अच्छा है। क्या करना चाहिए? संतान करना चाहिए, बाल पोष करना चाहिए और संतान आगे जाकर के भगवान का सेवा करें, इस विचार। संतान आगे जाकर के जब बड़ा होकर के वैष्णव बन जाएगा तो जन्म से लेकर के तुम जो कुछ किया उनके लिए, किसान साहब किया, कैप्टी साहब किया, सब कुछ वैष्णव सेवा में परिवर्तित होगा। और वैष्णव सेवा का फल क्या? वैष्णव सेवा का फल क्या? वैष्णव सेवा का और भगवान सेवा का बड़ा है। भगवान का सेवा करना है भक्ति, वैष्णव दर्शन करने का आपका क्या फल है? वैष्णव आ गया दर्शन, शुद्ध वैष्णव हमारा बाबी धोखा वैष्णव शुद्ध वैष्णव दर्शन कर दिया। बोला इसके बारे में एक कहानी होगा, तन मन लगा के सुनो। क्या बोला? तन मन लगा के सुनो। एक प्रश्न, ये प्रश्न प्रश्न कौन किया? नारद मुनि किया, भगवान वैष्णव दर्शन ना। तो भगवान मुस्कुरा करते करते बोले, हे नारद तो काम करो, मृत्यु लोग में जाओ, अरे सरोवर देखोगे इसी दिशा में जाते हैं, सरोवर कमल का फूल सरोवर में बहुत है, कमल का फूल का बगीचे का अंदर में देखोगे काला मुंगरा, काला रंग का मुंगरा, उसी मुंगरा को पूछो वैष्णव दर्शन चलते चलते दिखा के हम सरोवर है, कमल का फूल भी है और काला भंडा भी है, दिखा दिया। काला भंडा के पास जा करके पूछे, भगवान हमको भिजवा दिया तुम्हारे पास, बोलिए वैष्णव दर्शन का फल क्या? बोलिए बोलिए। तो भंडा तो मुख घुमा के जब देखा, नारद जी को देखा, सात सात सोनी छोड़ी, कुछ बोलने का कोई मौका नहीं दिया, सात सात छोड़ी छोड़ी। तो नारद जी को बहुत दुख लगा, हम भगवान के छोटा प्रश्न किया, भगवान आसानी से उत्तर दे सकता लेकिन नहीं दिया, और मुस्कुरा करते करते हम तो नहीं तो भिजवा दिया, इतना दूर हम आया पूछा और मुंगरा सही छोड़ दिया। तो जो भी हो
कई महीना बाद फिर से नारद भगवान के पास जाकर के पूरा कहानी बोला। आप तो बोला था सरोवर में जाकर के हम लोग का बगीचा अंदर में बिल्कुल कालो भुमरा वो सब देख लिया, भुमरा भी मिला, लेकिन पूछने के साथ साथ हमारा पर मुख घुमा के देखने के साथ सब शरीर छोड़ दिया। क्या कहानी है तो पता नहीं चल रहा। आप बोलिए ना भगवान, आप बोलिए बोलिए क्या भाव क्या बोलिए। फिर से भगवान मुस्कुरा करते करते बोले, नारद तुम चला जाओ कहां पे, ओ मृत्यु लोग में देखो इसी दिशा में जाते जाते बागीचा बागीचा का के देखोगे देखो एक पक्षी है। एक पक्षी को तुम पूछो, पक्षी को तुम पूछो ये प्रश्न, वैष्णव दर्शन का फल क्या है। तो नारद फिर से भगवान का कथा अनुसार चलते 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 पहुंच गया बगीचा में। मृत्यु लोग में आया, बगीचा में पहुंच गया और देखा पक्षी भी है। पक्षी को जाकर के पूछी, हे पक्षी भगवान हमको भिजवा ही थे आपके पास भिजवा। हमारा प्रश्न यही है वैष्णव दर्शन का फल क्या बताइए। पक्षी भी जब मुख भिजवा के नारद जी को देखा सच सच छोड़ छोड़ पेट का डाला से नीचे गिर गया। नारद जी का मन बदलता, हम ऐसा क्या किया, भगवान बोल रहा तो सच तो होना चाहिए। तो हमको देख के हम इतना पापी, हमको देख के साथ साथ शरीर छोड़ देता, बोलने का कोई मौका नहीं देता, इतना पापी है। भगवान भी नहीं बोल रहा, ये भी दंडित के पास भेज रहा, वो भी कुछ नहीं बोल रहा, वो घुमा के देखने के साथ साथ शरीर छोड़ देता, क्या करे। और कोई महीना अभी तो नारद जी का मन में गुस्सा है, भगवान को बोल सकते इतना क्यों आपको भागा बोल रहा। फिर से किया, फिर से पूछा, फिर से भगवान नारद जी का मन में गुस्सा है, लेकिन भगवान फिर से मुस्कुरा करते करते बोल, नारद इस बार तुम चला जाओ इसी दिशा में, इसी दिशा में चला जाओ, बोलकर देखोगे एक राजमहल में राजकुमार का जन्म हुआ। राजकुमार को जाकर के पूछो वैष्णव दर्शन का फल क्या। नारद मुनि डर गया, वो तो घुमरा था, पक्षी था, उनका कोई बोलने वाला नहीं था। अभी हम राजमहल में जाने से बाद वो संतान जब हमारा पास मुख घुमा के देखने से साथ छोड़ी छोड़ देगा, हमको तो राजा मंत्री प्रजा छोड़ेगा नहीं, पकड़ के क्या करेगा, गाली देगा, मिठाई करेगा। डर गया, लेकिन भगवान बोल रहा नारो डरो मत, देखो ना क्या होने वाला, देखो। डरते मरे नारद आया राजमहल की सामने, चलते चलते राजमहल देखा, और राजमहल में देखा सब सचमुच, हाँ सब लोग आनंद में भरपूर हो गया। क्यों, राजमहल में राजा का देखा बहुत दिन बाद, राजा का बेटा हुआ,
आप बेटा सत्यानंद है और सबके साथ आज्ञा कौन मुनि श्रेष्ठ नारद आनंद का झुकमुख किया रात झूम नारद जी का अच्छी तरीके से स्वागत करने से बात बोला कोई सेवा राजा अपना मुख से बोल रहा कोई सेवा है तो बोलिए क्या चाहिए बोलिए नारद जी बोला हमारा किसी हमारा कुछ नहीं चाहिए आप सुना तो घर में आपका बेटा हुआ सही ना दर्शन दर्शन बेटा डर से डर से होगा वो एक यदि शरीर छोड़ देगा तो राजा तो हमको सिर काट देगा तो डर के डर के डर के हमारे धीरे धीरे जाए जाए जब देखा बेटा है बेटा को बोला भगवान हमको इस हमारे पास तुम बोलिए वैष्णव दर्शन का फल बेटा अभी मुख घुमा के रोते रोते नारद जी को बोलने लगे हे नारद आप वैष्णव श्रेष्ठ आपको देख देखने से बाद दर्शन करने से बाद हमारा ममरा जीवन ममरा जिंदगी जो थे वो चला गया उसके बाद पक्षी बन गया और आपका फिर से दर्शन करने से बाद पक्षी जन्म चला गया आज हमारा राजमहल में मनुष्य शरीर अभी हमारा मुखाम भगवान का पूजा करने का भगवान का आराधना करने का भगवान का साधना करने का मौका अभी दिया तो वैष्णव धर्म का प्रभाव कैसे जैसे क्या प्रश्न है वैष्णव कौन है प्रो कपड़ा कपड़ा प्रमाण कर देगा यह वैष्णव है नहीं हमारा हमारा पूर्व पूर्व आचार्य बोलना वैष्णव धर्म का मतलब बोलना कौन आपका कामिनी क्या हो गया मंदिर महा प्रोजेक्ट महा पैसा इतना है तो समाज से लूट लो जो कलेक्शन करने वाले उनका भी कमीशन है सबका कमीशन है इसलिए प्रोजेक्ट खत्म नहीं करते चलाने दो चलने दो चल मजाक का बात नहीं सात बात है आप तो देख रहा सनातन धर्म क्या है एक ही प्रचार करने बात नहीं इतना लोगों को जोड़ के व्याकुल बना के पैसा कमा के कमाना चाहिए वही इसलिए प्रभुपाद जी हमारा परम गुरु हमारा गुरु जी का गुरु जी तो कुछ गुजरात क्या बोला कौन कौन मैं बोला पैसा कामिनी महिला मतलब लाभ चाहिए पूजा चाहिए चेयर चाहिए माला चाहिए सबका हमारा इससे क्या क्या माला गादा फूल का माला नहीं हमारा चाहिए क्या रजनीगंधा बेली धूम जैस्मिन
मेरी बोल चुनी चाहिए, मेरी बोल तो मेरी बोल मेरा सस्ता है। प्रतिष्ठा माला नहीं देने से गुस्सा है। हाँ ये जो विचार है गाना कामी देखो पैसा होने से साथ साथ कमेक्शन दिल मन प्रभावित होता। शादी शादी कर चुका एक शादी में हो रही सरकार तो बोला है एक ही करना चाहिए दो तो कर नहीं सकता छुटके छुटके दो चलते घर में आज का दिन में हार हार बार पता नहीं हम जितना हार देखा अधिक से ऐसा ही है। हमारा पति हाँ उनका पीछे भाग रहा हमारा पत्नी उनका पीछे भाग रहा हिंदुस्तान का काम है लेकिन बाहर में पैसा देखो ऐसा चल तो कमा का कमे ने प्रतिष्ठा मागे ने छाड़ी अच्छे जाए पैसा धोखा दे करके पैसा कमाना पैसा आने से बाद जब हमेशा अंदर में जागरूक हुआ उनको पूर्ति करना और प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा हमको देना चाहिए ऐसा विचार जब चला जाए और उसके बाद परिणाम करोगे ऐसा विचार छोड़ के हरिनाम करोगे तो तब प्रभुपाद हमारा परम गुरु जी बोला वही वैष्णव वही वैष्णव इसे बोला अनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छड़िया छे जारे से तो वैष्णव तिलक मटिक्का तो लगा दिया चोटी तो रख दिया लेकिन विचार है ये दिखा के दिखा दिया आमिर लोगों को पहचान बड़ा बड़ा पैसा दे करके मंदिर का नाम पैसा दे करके 30% कमीशन दे एक लाख कमा लो इतना मेरा कब लोग नहीं करते 30,000 तुम एक दिन कमा सकते सरकार का घर में काम करने से कितना देगा 1,000-2,000 रुपये दिन में देगा और लेबर ही काम करने से कितना बार मिलेगा 300-400-500 रुपये मिलेगा 600-700 रुपये मिलेगा लेबर मतलब जो तुम्हारा काम घर बन रहा ईटा इसी जगह से सीमेंट यहीं से रेत लेके जाओ पानी देकर मिलावट करो उसके बाद हेल्प करो 400 और यहीं पे एक लोगों को व्यापक बना दो टिक्का देगा छोटी दिखा के टिक्का दिखा के अच्छा वाला धोती पहन के कपड़ा अच्छी तरह डाल के हरे कृष्णा आपका नाम बहुत सुंदर हमारा प्रोजेक्ट 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है आपका आप इस प्रोजेक्ट में मदद करोगे तो तुम्हारा पूरा वंशज उद्धार हो जाएगा सात पीढ़ी उद्धार हो जाएगा। तो हमने लोग सोचा ठीक है हम तो पाप कर्म करते करते बहुत पैसा कमा लिया ठीक है तो हमारा पास
मामला 10 करोड़, वो मामला 10 लाख, ठीक है दो। तो एक दिन एक जगह पे जाकर के 10 लाख मिले कितना मिलेगा? 3 लाख। लाख रुपये मिलता हूँ 30 दिन काम करने से 12 लाख रुपये, ऐसा ही मिलता ना कि एसपी का 2 लाख रुपया। हाँ जी एस पी के पास हम थोड़ा पता नहीं चलता मिलता हूँ। हमारा एस पी दोस्त था और हमारा जो आई जी तो आई जी दोस्त था, डी जी भी दोस्त था, तीनों से इतना दोस्त था। आई जी गौरव का प्रधान वो सब जो तो मार्ग असी है मार्ग असी है। तो जो भी हो ऐसा ही सब, ऐसा ही सब। तो ऐसा धोखाबाजी करके पैसा कमाना का विचार कमेक्षा का पूर्ति करने का विचार प्रतिष्ठा पर खींचने का विचार सबका मोर खींच लेगा, हमारे काम को प्रतिष्ठा देगा तो विचार लेगा तो बिना बोल के तू बस मछाड़ी आचे जा रे सही। तो कृष्णा जो दुनिया में आसक्ति है आसक्ति छोड़ना और आसक्ति होना चाहिए किसका? किस पर? भगवान का सेवा। विचार लेकर परिणाम करोगे तो वही वैष्णव का दर्शन करने से साथ साथ जिंदगी आगे दर्शन है पवित्र करो यही तो दर्शन के सब 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 पवित्र हो जाता। पता नहीं आपका विश्वास होगा कि नहीं, थोड़ा सा ये बोखा लेता है हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama राम राम हरे हरे। आज हम लोग कहाँ पे किसके घर में आया? वैष्णव प्रभु। हाँ वैष्णव प्रभु विवाकर नाथ लेकिन क्या नाम दिया? वैष्णव प्रभु। सही घर पर सही कथा हुआ। देखो शुद्ध भक्त कोई कमाने का विचार नहीं, भक्ति दिखा के दुनिया से कुछ कमाने का कोई लाभ उठाने का विचार नहीं, भगवान का सेवा का विचार जो उनके पास है। क्या सेवा? भगवान किस तरीके से सुख बड़ा मंदिर है सुख होता नहीं। भगवान जहां पे रुखा करते गोलोक वृंदावन उसमें भी मंदिर कोई लोग बना नहीं सकता करता तो दुनिया में कोई बना सकता हम गोलोक बना देगा यहीं पे होगा। दुनिया तो दुख का दुनिया, इतना ही मंदिर बनाओ
जितना बड़ो बनाओगे उतना ही दुख है। ठाकुर जी क्या पसंद करते हैं? भक्ति मतलब क्या? सचमुच प्यार भगवान। तो क्या चाहिए? देखो हमारा गुरु जी का गुरु जी हमारा गुरु जी भक्ति पावनपुरी गोस्वामी ठाकुर, उनका गुरु जी भक्ति सिद्धांत गोस्वामी ठाकुर, उनका गुरु जी परमहंस ज्वालामणि ठाकुर जी को दिखाओ गौर क्षेत्र। एक ही शिष्य हमारा परम गुरु। कहाँ पे रुका करते? कैमरा कोई मंदिर नहीं, कोई मंदिर नहीं। कहाँ पे रुकता? गंगा का किनार में छोटा झोपड़ी बना के मंदिर रुकता। कोई लोग कुछ देने के लिए आता, सबको भगा देता। वो अंदर से तो सूर्य देव इनका अंदर में कोई भौतिक लाभ उठाने का इच्छा है, हमको देख करके उनका पाप को धोने के लिए आया। तो सचमुच सेवा का विचार लेकर आता, उनके हाथ से सेवा लेता। सब सेवा नहीं देने से हम भी एक बार ऐसा सुना। हम एक बार बाहर में दिया, मैंने देखा था बाहर शल बाहर में जाते हैं। तो एक करीबन 28-30 साल का लड़की अच्छी तरह सजावट करके आती, नाम ओल्गा। पूछा तू क्या कर रहा? हर साल आने लगे तू क्या काम कर? दुबई में काम कर। अब जवाब पूछा नहीं। जब 2-3-4 साल हो गए हमको पैसा देता, ज्यादा नहीं, यूक्रेन गरीब देश। तो ठीक है, एक बार हमारा डाउट है दुबई में क्या काम करते, बार बार पूछता, बोला नहीं। तुम क्या काम करते बोलो, उसके बाद तुम्हारा पैसा। हमको इतना बड़ा विश्वास नहीं निकलेगा, लेकिन अंदर में महसूस हो रहा है ये गलत काम करता है। दुबई में जो काम करने के लिए जाते हैं वो सबका पता है। खूबसूरत लड़की कोई करने का तो बाद में रोते रोते हम ना तुम्हारा पैसा आगे मिलता नहीं, तुम काम करो दुबई काम जाना बंद करो। जो भी हो तुम्हारा देश में करो, सब कुछ मिल जाएगा। सचमुच एक साल बाद जब दिया उनका पति को लेकर शादी कर लिया, पहले शादी नहीं की, पति भी आप फिर काला नहीं काला पत्थर का पानू है ना साकर जो भी हो ऐसा है। तुम अभी क्या लगता तो आप सही होगा जिंदगी। पति हमको बहुत प्यार है, कोई चीज कमी नहीं है। इच्छा तो होना चाहिए अच्छा होगा। इच्छा नहीं करोगे तो कैसे होगा? दुनिया को धोखा देकर के तुम
अच्छा रह नहीं सकता, तो धोखा में पड़ना चाहिए। जो भी करो भगवत सेवा करने के लिए धोखा दो लोग जो भी हो। देखो हमारा हमारा गुरु जी परमहंस कुल चूड़ामणि ठाकुर श्री गौर कृष्ण भगवती महाराज छोटा गंगा का किनार में झुपड़ी बना के छोटा झुपड़ी लेकिन उनका नाम इतना प्रभाव इतना सब लोग नाम सुनने से ही नाम देखता नहीं था। विश्व का एक दिन क्या हुआ, एक डॉक्टर को बुलाया, लोगों को भेजा के डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर पूछा वो गौर खेल पर पहुंच मारे तो सीमा नहीं देता, भाग भाग के आया। देखा सर्दी का समान बाबा जी महाराज के बाहर में धूप में बैठ गए चैन से बीमार तो कोई बीमार नहीं तो हमको बुलाया थी। तो सोच रहा बाबा जी महाराज थोड़ा देर मुंह उठा के देखा तो डॉक्टर आया। हे डॉक्टर तुम आया, अरे हमारा निताई गौर का बीमार हुआ तुम तो देखो। डॉक्टर को दिमाग थोड़ा सा मेटेरियलिस्ट भौतिक बीमार, वो देख रहा कि अरे निताई गौर लकड़ी वाला बना हुआ उसका बीमार क्या होगा। फिर से खड़ा होकर बना रोक लिया, खड़ा होकर रोक लिया। फिर से वो गोर के बना मुंह उठा के देखा, हे डॉक्टर तुमको बोला ना जाओ। डॉक्टर तो डर के मारे कोई सांप कम लगा लगा नहीं, डॉक्टर के चुप चुप के डॉक्टर के जो निदाई रोल का सर मूर्ति को बर्स किया जगत का भक्ति का क्या चीज दिखाने लगे। भगवान गुरु जी का द्वारा क्या प्रकाश है, चमत्कार दिखाया। लकड़ी का द्वारा बना हुआ छोटा गौर नेता है, बड़ा नहीं। आज का दिन में बड़ा गौर बड़ा मूर्ति में बड़ा भक्ति, बड़ा मंदिर में बड़ा भक्ति, छोटा मंदिर में छोटा। इस प्रकार विचार आज सारा दुनिया को भक्ति से भगा दिन पर हमारा गुरु जी परम गुरु जी क्या होते हमारा इच्छा नीचा लकड़ी पत्थर द्वारा बना हुआ मंदिर बना हमारा इच्छा हर भक्तों का दिल पर मंदिर बनाना। वो मंदिर चलेगा मुही मंदिर, इसलिए वैष्णव दिन पर भगवान कौन बोला, नरोत्तम ठाकुर बोला, हमारे आचार्य नरोत्तम ठाकुर क्या बोला, हमारो हृदय सदा गोविंद तुम्हारा दिल पर हमेशा के लिए गोविंद विश्राम करना माने है गोविंद कहे नमो वैष्णव गोविंद भी बोल रहा वैष्णव हमारा जान है प्राण है। कहीं वैष्णव दास का परिवार में हम लोग और वैष्णव का महिमा का कीर्तन चल रहा
वैष्णव होगा कैसे? हाँ हाँ मंत्र ले लिया, टीका लगा लिया, चोटी डाल दिया, गला में माला डाल दिया, हाँ वैष्णव तो हो गया वैष्णव। एक घर वैष्णव उनका नाम है, ये प्रभु बोल रहा है राम। तो सरकार से स्टैंप पर ले लिया, वकील को बुला के दलील को लिख लिया, मैंने लिख लिया विटनेस जो है, साक्षी जो है बुला के साइन कर लिया, पटवारी को बुला के नाप करके वो भी साइन कर दिया, सब लोग साइन कर दिया। वैष्णव का साइन नहीं कि हमारी हो सर तुम्हारी बाजार में माला है, माला में लगा लिया, बराबर तो है चोरी कर दिया, तिलक मिलता तिलक लगा लिया, माला भी मिलता ले लिया, नाम तो करने का विष्ण हो जाए होगा नहीं, कैसे होगा? मालिक के द्वारा स्वाइन कर मालिक को भगवान, भगवान मालिक, भगवान कौन? कृष्णा, परमेश्वर कृष्णा, उनका साइन कैसे करो? भिजवा दिया कौन? शुद्ध भाव क्या करना चाहिए? हमारा वकील सब बोल रहा भक्तन तो दूर मैंने महापुरु आया, इसलिए सबको प्रेम देने, प्रेम देने के लिए पहला कदम क्या रखना चाहिए? शरणागति। तो दूर लभो प्रेम कोरी मारे दानो सिखाए शरणागति भक्ति का जान क्या शरणागति? भी बता दिया हमारा परंपरा में लाइब्रेरी है विशाल, देखो अलग अलग संप्रदाय जो है उनको लाइब्रेरी, कुरान मुसलमान में कुरान ही है, क्रिश्चियन में बाइबल है, और कुछ है हर क्रिश्चियन मुसलमान में हदीस है, वो तो अपना मन बना सकता, एक हदीस से और हदीस मिला नहीं, एक एक मोलो भी लिखा एक चीज और मोलो अलग चीज, कुरान का सा अलग अलग व्याख्या, तो ऐसा हमारा लाइब्रेरी है, वेद है, अठारह पुराण है, सातवां उपनिषद है, उसके ऊपर गोस्वामी का व्रत लिखा है, बहुत बड़ा लंबा लाइब्रेरी। हाँ कहीं पे देखो चैतन्य चरितामृत मंत्र को लिखा, पहला अध्याय में क्या लिखा, कहाँ पे शरणागति करना होगा? गुरु वैष्णव भगवान तिने तिने स्मरण है विघ्न विनाशम अनाशे भय निज वांछित पूरण। गुरु 815 सवाल 815 देखो क्या करना चाहिए, गुरु कौन है? कौन? ओ गुरु पर बहुत खास
हर पल भगवान के पास है। भगवान के लिए निछावर करते और ऐसा पंडित होगा नहीं। फिर से क्या करना चाहिए, परंपरा द्वारा स्वीकृत भी होना चाहिए। पढ़ाई कर लिया, स्कूल में काम भी लिया, हेड टीचर बनने के लिए स्कूल का जो अथॉरिटी है उनका द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। स्कूल में हेड टीचर मतलब स्कूल में जो है ना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बनाने होने के लिए क्या करना चाहिए, पढ़ाई तुम्हारा ज्यादा है। जब अथॉरिटी या स्वीकृति ना देगा, नहीं दिया, तो प्रिंसिपल बन नहीं सकता, हो नहीं सकता प्रिंसिपल। इसलिए निछावर तो कर दिया, दिल स्वीकृति आ गई, उसके बाद तुम दीक्षा स्वीकृति होने के बाद नहीं हुआ तो शिक्षा भी हो। और जो हरिनाम करते आश्रय लेगा जी वो सब खुशी भगवान सबका चरण सरना होता है। ये धर्म बहुत आसानी से हो सकता है। घर में रहो, शादी करो, शादी छोड़ो नहीं करो, सब से सब जो चार आश्रम का चार आश्रम के एक आश्रम जो उसी आश्रम धर्म का सब आश्रम बड़ा है। ऐसा मत सोचो हम लोग तो शादी कर लिए हमारा इतना ताकत नहीं, भक्ति के लिए इतनी ताकत नहीं, कर नहीं सकता है, सब लोग कर सकता। भगवान के लिए ऐसा कोई आश्रम विचार नहीं, सब बराबर है। भगवान बोला नहीं, एक बार भगवान को भक्त लोग मिल के पूछा, भगवान श्रेष्ठ कौन है, प्रजे भजे सही बड़ो अभक्ति विचार, कृष्ण भजन नहीं जाति पूरा विचार। कभी कभार ऐसा विचार लगा था, हम तो हमारा जन्म तो ब्राह्मण घर में नहीं हुआ, हम तो वैष्णव नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, हमारा तो आश्रम तो गृहस्थ आश्रम, हमारा केवल पत्नी है, पति है, हम तो औरत है, हमारा बेटा बेटी है, ये सब हमको कर नहीं सकता, हमको वैष्णव होने से नाम जी भजे सही बड़ा, मतलब जिनका साधना भगवान का सुख देने का विचार, भगवान को सुख देने का विचार जितना ज्यादा है सबको घर जाने का विचार, आप तो घर जाना कोई पूछा तो ऐसा किसी को खिलाओ, सबको खिलाओ पिलाओ। हमारे पास समझ में आया कि वैष्णव धर्म बहुत अच्छा धर्म, वही धर्म कलयुग में धर्म असली धर्म। अभी धर्म करने के लिए सिर्फ दिल को भगवान का चरण में रखो, भगवान जो पसंद करें वही आचरण, भगवान नाम पसंद करते, भगवान का नाम लेना पसंद, भगवान का नाम पसंद ना करो, हरे कृष्ण नाम। और क्या सबको सम्मान दो, बराबर सम्मान दो, और क्या भगवान का सृष्टि का सम्मान, हमारा पास ताकत है, खंजर है मिल गया, जंगली सुअर मिल गया, खंजर नहीं काट काट काट
आपका जिस तरीका से जीने का हक है उनका भी जीने का हक भगवान दिया। भगवान पर बुद्धि लगा दिया और बिना बुद्धि नहीं, बुद्धि देगा ये तो अलग जीव को कष्ट देगा। ऐसा वैष्णव धर्म में पहला कदम शरणागत, और शरणागत में पहला कदम जीवे दया, जीव के दया मालूम दया मतलब हम तो कहते सारा मनुष्य लोग को हम तो क्षमा देता, लेकिन जवान कट कट खाते जो चीज भगवान को लगा नहीं सकता वो तुम खा भी नहीं सकते, खाओगे तो जी हो तब तो सुनागे और चावल हो गेहूं हो बजरा हो ज्वार हो फूल फल पत्थर जो भी हो वो जीवन तो लगाओ जीवन तो खाना भी इच्छा करना चाहिए जो भी हो। अंत समय हो गया सबका मन उचाटा हो गया घर बन गया जो भी वो आदमी हमारा कहना करता भी है वैष्णव धर्म सोचो दिल से मांग कर नाम करो साधु के पास साधु ही तो आपके पास है। सुबह देखोगे पुलिस कार लगा के बाइक लेकिन उनका पास काम उसी दिन सुना सोना नाम और चिंता मही चरित्र अच्छी पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त राम नाम पुलिस को इस प्रकार श्लोक बोल रहा आप अच्छी तरीके से तो देखा अंदर का आया करुणा बुढ़ेश्वर 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 का मोर बुढ़ेश्वर देखा हम सब सत्संग सिर झुका कर प्रणाम करके भाग भाग के एक तो मत पर बाइक वाला उनको धक्का दे आपका बेटा बेटा शादी क्या नहीं शादी तिलक लगा के कितना अच्छा वैष्णव का साधु है आनंदनी साधु साधि महिला जो हरिनाम करते परेशान आश्रय लेकर हरिनाम करे जिस श्रद्धा ने कर जिस श्रद्धा ने कर हरिनाम करते उस परेशान उसका भी परेशान। इसलिए वैष्णव होने के लिए कुछ ऐसा नजर आता मुझे तो नहीं नजर आता यही हमारा कई युग से निकालने का मार्ग आसानी से निकालने का मार्ग ऐसा मत सोचो हमका घर का बहू है किसी का पत्नी है ऐसा मत सोचो हमारा हक है प्रणाम करने का हक है पति जो बोले बोले दिल से बोल मन मन अंदर मन का अंदर में क्या चल रहा पति देख रहे देख आज मंत्र का फल करते करते प्रकाश होगा। देखो एक दिन पति पति विवाह जो पति विरोध करते हो गया जो पत्नी विरोध करते हो गया इसलिए मंत्र का फल ऐसा है
ध्वनि को हानि कर देता और हानि को ध्वनि नहीं कर देता। वो तप है। तो घर में जा करके आज से जो कभी दिन मंत्र करने का विचार नहीं दिया, विचार मंत्र करना, हरिनाम करना, हरिनाम करना कोई गलती नहीं, परंतु नाम जैसे भी करो, अपराध लेकर करो, वो भी लाभ बहुत ही लाभ है, बहुत ही लाभ बहुत लाभ है। और अपराध छोड़ के आश्रय ले करो, वो परमार्थिक लाभ क्या प्रेम होगा, तो प्रेम भगवान का दुनिया में रहने का विचार, एक दुख का लहर में लाइट देखने का और नहीं चलेगा, छुट्टी मिल जाए, आनंद का लहर तो कुल पड़ोगे, कुलने का मौका दे दिया, क्या करोगे? हाँ, ये जन्म मिला वैष्णव होने, वैष्णव असली शक्ति क्योंकि ब्राह्मण ही सारा शक्ति, दुर्गा लक्ष्मी सारा शक्ति कहां से होगा? ब्राह्मण आदरणी कहां पे है? कृष्ण दिशा, राधा कृष्ण की उपासना करो, हाँ, नाम की चिंता, नाम के करते करते राधा कृष्ण की चिंता करो, यही करो, हर जिंदगी को अगुरा रूप से दुख का दुनिया से भगा के आनंद का दुनिया में पहुंच करो, हरे कृष्ण, आनंद का दुनिया गोलोक दुनिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
श्री गुरु गोविंद जय पंच तत्व आत्म गौर हरि की।